नमस्ते। मैं अभी 19 जून को दिल्ली आई थी अवार्ड लेने। मुझे योगा और वेलनेस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं माथा टेक आती हूँ गुरुद्वारा। और जिस दिन योगा डे था, मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन, जो मैं हर जगह करती हूँ, वो उनके लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे मुझे इतनी सारी धमकियां आ रही है, मारने की धमकियां आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना अपमानित करो। उनकी गलती हो तो माफ कर देना चाहिए। मैं तहे दिल से माफी मांग रही हूँ, प्लीज माफ कर देना। मैं आगे से नहीं करूंगी और ध्यान रखूंगी। मुझे रूल्स नहीं पता थे, मैं इमोशन में बह गई थी, पर मेरा इंटेंट गलत नहीं था। सत श्री अकाल। नमस्ते। मैं अभी 19 जून को दिल्ली आई थी अवार्ड लेने। मुझे योगा और वेलनेस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं माथा टेक आती हूँ गुरुद्वारा। और जिस दिन योगा डे था, मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन, जो मैं हर जगह करती हूँ, वो उनके लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे मुझे इतनी सारी धमकियां आ रही है, मारने की धमकियां आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना अपमानित करो। उनकी गलती हो तो माफ कर देना चाहिए। मैं तहे दिल से माफी मांग रही हूँ, प्लीज माफ कर देना। मैं आगे से नहीं करूंगी और ध्यान रखूंगी। मुझे रूल्स नहीं पता थे, मैं इमोशन में बह गई थी, पर मेरा इंटेंट गलत नहीं था। सत श्री अकाल। नमस्ते। मैं अभी 19 जून को दिल्ली आई थी अवार्ड लेने। मुझे योगा और वेलनेस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं माथा टेक आती हूँ गुरुद्वारा। और जिस दिन योगा डे था, मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन, जो मैं हर जगह करती हूँ, वो उनके लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे इतनी सारी धमकियां आ रही है, मारने की धमकियां आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना अपमानित करो। उनकी गलती हो तो माफ कर देना चाहिए। मैं तहे दिल से माफी मांग रही हूँ, प्लीज माफ कर देना। मैं आगे से नहीं करूंगी और ध्यान रखूंगी। मुझे रूल्स नहीं पता थे, मैं इमोशन में बह गई थी, पर मेरा इंटेंट गलत नहीं था। सत श्री अकाल।